हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज खाने वाले हैं हम थोड़े से बाहर, थोड़े से क्या पूरे बाहर जाने वाले हैं हम दोनों, और अमन भाई, याची भाभी और हिमायरा, हम पांचों जने जाने वाले हैं 2-3 दिन की ट्रिप के लिए। तो आज पूरा दिन हम करेंगे पैकिंग, और जो भी हमारा काम आधा अधूरा रह गया पैकिंग का, वो सारा आज हमको निकलना है 6 बजे शाम को। तब तक हमारी कंप्लीट पूरी पैकिंग कर देनी है, और कितनी सारी चीज़ें चिकू की हैं अनकम्प्लीट, जीन्स वगैरह है वो थोड़ी सी फिटिंग करानी है, और थोड़ा बहुत और भी काम है। तो आज के दिन पूरा टाइम यही होने वाला है कि आज हम पूरा टाइम जो जाने वाले हैं हम घूमने के लिए, उसके लिए जो भी स्टफ़ हमको पैक करना है, वो सारा आज के व्लॉग में आप देखोगे। पैकिंग का प्रोसेस, लंच बना के फिर स्टार्ट करती हूँ। अभी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मैं ब्रेड और कॉफ़ी। तो जल्दी से कर लेती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और फिर लंच की तैयारी करनी है, लंच के बाद जाने की तैयारी करनी है। बहुत सारा काम है आज अपने पास। अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लंच, और लंच मैं प्रिपेयर कर रही थी इतने में आए चिकू। तो चिकू ने सब कुछ चार्ज पे रख दिया, यहाँ पे ड्रोन, कैमरा, कैमरे की बैटरीज और फ़ोन और सब कुछ चार्ज करके रख दिया। मेरा ये माइक तो डिस्चार्ज भी हो रहा है, माइक भी डिस्चार्ज होने वाला है ना, तो इसको भी चार्ज कर दो, और फिर दमादम आपके लिए व्लॉग्स आने वाले हैं, घूमने जाएंगे वहाँ के। तो लंच में मैंने अभी बना दिया है मूँग चावल और पपड़ी और जूस। जूस बन गया है हमारा, और ये यहाँ पर चावल बन रहे हैं, ये दाल अभी फ्राई करनी बाकी है। तो बाप रे, डो बन चुका है, और टाइम अभी हो रहा है 12 बज रही है, और मेरे भी ये सूट वगैरह और ये थोड़े से फिटिंग कराने ये कराती हूँ, और पैकिंग तो पूरी बाकी है, अभी सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है, और ये कैमरा बैग भी पूरा रेडी हो रहा है साथ ही साथ। ये आप प्रिपरेशन देख सकते हो, कैमरा साथ में कैरी करना यानी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उसकी हर एक चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए तो ही मज़े आ सकते हैं। और मैविक से मिलेंगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट, हाँ जहाँ परमिशन मिली वहाँ। हालांकि स्टैचू ऑफ यूनिटी, अगर वहाँ पर परमिशन पहले से लेनी पड़ती है, पहले से अप्लाई करना ना। अप्लाई करोगे क्या? रेड वाली अटैची निकालो, ये अटैची हम लेके आए थे दुबई से, हमारे पास लगेज ज़्यादा हो गया था तो हैंड बैग के लिए लेके आए थे। और इसके अंदर भी हमने लगेज कितना डाला था, हैंडबैग का लगेज था कितना, हाथ में कितना कैरी कर सकते हैं, 7 किलो, इसको भी हमने 12 किलो का कर दिया था फिर तक करके ये भी लगेज में ही गया, पर चलो इतना तो निकल गया, बाकी हम सारा वहाँ रख के आए। इसको क्लीन कर देती हूँ, थोड़ी गंदी हो गई है, बहुत गंदी हो गई है थोड़ी। लंच ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीट है, सिर्फ एक पपड़ी बनानी बाकी है, और यहाँ पर कपड़े सारे निकाल दिए हैं, ये चिकू के टी शर्ट्स, ये सब इनर वेयर्स और ये सब चीज़ें, ये जीन्सेस, 3 जीन्स ले रहे हैं, और ये सारे इनोवेयर्स, टी शर्ट तो आप पूछो मत, और ये मेरे कपड़े, और ये सूट टाइट करवाना बाकी है, सूट टाइट होके आता है, और आज मेरा पार्सल एक आने वाला है मैक्स से, अगर वो आ जाएगा तो वो लेके जाऊंगी, अगर नहीं आया तो फिर रहा ना कंफर्म, यार आ जाता हो तो मेरे एक शानदार कॉस्ट्यूम हो जाएगी। ओह, अपने आज मैचिंग करा वाइट। पार्सल आ चुका है शॉप करो पर, तो चिकू अभी गए हैं लेने के लिए, आता है फिर ट्रायल करती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ले लूँगी साथ में। और जींस तो एक ही लिया है मैंने, जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया था, मस्त आया एकदम, मैं फर्स्ट बार ट्राई करूँगी। शूज़ कल धो दिए हैं, तो ये यहीं पर ला के रखे हैं, चिकू वाले भी धो दिए थे, मेरे वाले भी धो दिए थे, मेरे पिंक कलर के पैड्स हैं वो भी ले लूँगी, तो दोनों काम आ जाएंगे अपने। ये हमारा खाना, मूंग की दाल और ये रोटी, ये जी, और मैं चिकू की प्लेट में खा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने चावल नहीं खाए थे तो गंदी भी नहीं हुई है, मम्मी का भी साथ में खाना लगा देते। और लंच करके फिर एक बार शॉप पे घूम के आती हूँ, यानी कस्टमर के कॉल्स आ रहे हैं, एक बार जाके थोड़ी देर अटेंड कर लेती हूँ, और हमको निकलना है शाम को 6 बजे। मेरा पार्सल आ गया है और कपड़े भी अच्छे आ गए, तो ले लेती हूँ, और अब जाती हूँ मेरे सूट की फ़िटिंग करवाने के लिए, क्योंकि सूट पहनना है मुझे, मंदिर जाएंगे तब तो, क्योंकि थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर करते हैं तो अच्छा लगता है मंदिर जाते हैं। तो ये सूट टाइट करा दीजिए, ये पहन रखा है, ये भी हल्का सा टाइट कराना है, क्योंकि यहाँ से लूज़ आ रहा है, सो इसीलिए। तो अभी चलती हूँ जगह ब्याह को लेके मेरे कपड़े टाइट करवाने के लिए, और मेरे ब्लाउज़ भी तैयार हो गए, ब्लाउज़ भी ले आती हूँ। आओ ना थोड़ी देर में। मैं आई हूँ शॉप पे, और कल सारा मैं ऐसा का ऐसा मैस रख के चली गई थी, तो सारा अभी सही कर देती हूँ, क्योंकि आके फिर सब कुछ ये करना पड़ेगा और बहुत दिन हो जाएंगे, सो इसीलिए सारा अवेयर के जाती हूँ, और कंप्लीट सलून क्लीन करके जाती हूँ, और मुझे मेरे बाल करने स्ट्रेट, सो स्ट्रेट कर देती हूँ।
एंड एसी भी चालू कर देती हूँ, गर्मी लग गई। और कल वैक्सिंग का काम हुआ था तो बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तो इसको फटाक से कर देती हूँ क्लीन और फिर जाना है पैकिंग करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 2:39, सलून हो गया है कंप्लीट क्लीन, उसमें सारा कचरा भर दिया है और ये सलून पूरा कंप्लीट क्लीन, इधर उधर उधर जो भी मैस पड़ा था ये पीछे अभी धोने के लिए डाल दूँगी। और अभी कर देती हूँ मेरे बाल स्ट्रेट। हो चुके हैं, अभी आ गए चिको मुझको लेने के लिए। अब चलते हैं घर पे पैकिंग करने के लिए। शॉप का जो भी काम था पूरा कंप्लीट कर दिया, जो रिटर्न वर्क थोड़ा सा बाकी था वो, और सारा ही काम कंप्लीट है। अब अपन चलते हैं, सारे स्विचेस और बोर्ड्स बंद कर देती हूँ। बंद ब्लाउज बन के आ चुके हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहन के तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए सिल्वर की शॉप पर लेने गई थी, तो ये कान वाले ले गई, गले में चेन ले आई और कड़ा। तो सारा ही पैकिंग का सामान है वो निकाल दिया है। ये रहे मेरे कपड़े पूरे और ये हैं चिकू के कपड़े। मेरे कपड़ों की क्वांटिटी थोड़ी कम है, चिकू के कपड़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और ये हमारा स्किन केयर और ये ब्रश, कॉलगेट ले लिया है और कुछ सामान थोड़ी, हाँ और एक परफ्यूम भी ले लिया है। चिकू ने कहाँ रख दिया परफ्यूम? ये चिकू का परफ्यूम और मेरा परफ्यूम भी मैं ले लेती हूँ। ये है मेरा परफ्यूम और थोड़ा बहुत जो भी है मेकअप का सामान वो ले लेती हूँ। मेकअप का तो क्या ही है, जैसे कि स्किन केयर तो ले लिया है, एक लिपस्टिक ले लेती हूँ, इनफ है। बाकी गर्मी इतनी है काजल वगैरह नहीं लगाऊंगी सारा। अब ये सारा स्टफ जाने वाला है इस बैग में। सारी पैकिंग हुई कंप्लीट, चिकू का स्किन केयर भी आ चुका है क्योंकि फिनिश हो गया था, तो स्किन केयर में आया है विटामिन सी की सीरम, विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी क्रीम एंड विटामिन सी टोनर। और शॉप से ये कैटल भी ले आई हूँ, तो इसको अभी भरने के लिए रख देती हूँ। सुबह थ्री ग्लासेस मैंने आइस जमाने के लिए रख दिया था, आइस भी जम गया। और पानी कैंपर में भर के अब हम थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं, तो यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।